अच्छा, पिछले गेट से पुलिस वालों ने एंट्री की है, ठीक है, उन्होंने फोर्स एंट्री की है, तोड़ फोड़ के पीछे जो जितने भी गार्ड्स थे उनको मार के दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर घुसी है सारी की सारी नफरी। उसके बाद वो जैसे ही हमने फिर फ़ौरन जाके खान साहब को बताया कि खान साहब पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है ना, तो खान साहब कहते हैं कि बस मैं 5 मिनट में ना मुँह हाथ धो के तो मैं तैयार होकर बाहर आ रहा हूँ। तो खान साहब अंदर गए हैं, खान साहब अंदर जाके उन्होंने अपना ट्रैक सूट पहना है, शूज़ पहने हैं, उतनी देर में इन्होंने खान साहब के घर का मेन डोर है वो तोड़ के फोर्स एंट्री कर दी अंदर, और अंदर बेचारा जितना भी स्टाफ था, हम तीन 5-6 लोग थे, उनको उन्होंने सही मारा है और डंडे मारे हैं और वो कपड़े फाड़ दिए उन लोगों के ना। तो ये अभी वो ये कर ही देते तो खान साहब बाहर आ गए ना ट्रैक सूट में अपने, तो कहते कि यार मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने खान साहब को पकड़ के घसीट के, मतलब कि बिल्कुल वो कह लो कि ना उनका स्टाफ घबराया हुआ था ना खान साहब खुद घबराए हुए थे, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा यार मैं आ रहा हूँ बाहर, तुम लोग क्यों मतलब के कर रहे हो, चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। मगर वो खान साहब खुद चल रहे हैं, उनको मतलब के धक्के घसीट के तो बाहर आके चल बाहर साढ़े नाल चलो, उन्होंने ए मुँह पर कपड़ा पाओ, ए मुँह पर कपड़ा पाओ, पुलिस वालों ने जी मुँह पर कपड़ा डाला और कपड़ा डाल के उनको ना घसीटते धक्के देख देख के उनको लेकर गए हैं। और इस सारे सिनेरियो में ना स्टाफ घबराया था ना अंदर खान साहब, तो बिल्कुल जो है ना वो कॉन्फिडेंट लग रहे थे, कोई ऐसी कोई मसला मसाइल नहीं था। और इवन के कोई ऐसा कोई होता है ना कि यार कोई थोड़ी टॉक कर लें या रुक जाएं या थोड़ी देर, खान साहब ने कहा यार मैं बिल्कुल मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर उनसे कहो कि बस लोगों को ना मारे, मैं 2 मिनट में बस अपने कपड़े बदल के आ रहा हूँ। मगर उतनी देर में वो आए हैं, फोर्स एंट्री की है, घर के बेडरूम के अंदर घुसने की कोशिश की है और वो फिर इस तरह से जो है ना वो अरेस्ट करके ले गए।